अब हम लोग आठवां चैप्टर मानचित्र का अध्ययन करेंगे इसके पहले हम लोग सात चैप्टर को खत्म कर चुके हैं इसके पहले वाले चैप्टर का नाम था भारत के पड़ोसी देश भारत के पड़ोसी देशों का अध्ययन हमने कर लिया अब हम लोग अध्ययन करेंगे मानचित्र किसका मानचित्र अध्ययन मानचित्र से रिलेटेड जो मैप हम लोग पढ़ते हैं किस तरह की मैप हम लोग यूज करते हैं कहाँ पर जैसे कि भारत का ही मैप होता तो भारत का मैप दो तरह का होता है एक पॉलिटिकल मैप होता है एक फिजिकल मैप होता है फिजिकल मैप में मैप में क्या रहता है कि उसमें राज्यों की सीमाएं नहीं दी जाती हैं उसमें किस राज्य की सीमा किस राज्य से टच करती हैं उसकी सीमाओं को अंकित नहीं किया जाता है लेकिन अगर यही फिजिकल मैप पॉलिटिकल मैप लेते हैं तो उसमें राज्यों की सीमाएं दी जाती हैं कि जम्मू कश्मीर का सीमा यहाँ बिहार का सीमा ये है उत्तर प्रदेश का ये है झारखंड का ये है वेस्ट बंगाल का ये है तमिलनाडु का ये है केरला का ये है अरुणाचल का ये है मिजोरम का ये है नागालैंड का ये है इन सभी राज्यों का क्या किया जाता है सीमाओं को अंकित किया जाता है पॉलिटिकल मैप में लेकिन फिजिकल मैप लीजिएगा तो उसमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा राज्य कहाँ पर है अगर आप ध्यान से देखेंगे तभी बता सकते हैं कि कौन सा राज्य कहाँ पर मौजूद है तो उसमें किसी राज्य की सीमाओं को अंकित नहीं किया जाता है तो इसमें क्वेश्चन है हमारा पहला कि कौन सी मानक विधि सर्वाधिक मान्य है मैप को बनाते समय मैप को बनाते समय कौन सी मापक विधि तो निरूपक विधि भिन्न सबसे अधिक मान्य है सबसे अधिक एकट वैली या सबसे अधिक माने जाने वाली वैल्यू कौन से निरूपक भिन्न विधि को सबसे अधिक माना जाता है मापन में हर अः मापनी में हर व्यक्त करता है मापनी में हर व्यक्त करता है धरातल की दूरी मानचित्र पर दूरी दोनों दूरिया या इनमें से कोई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा धरातल की दूरी धरातल की दूरी को इंडिकेट करता है हर व्यक्त निम्नलिखित में कौन सा मापक निरूपक विधि निरूपक भिन्न का है मीटर सेंटीमीटर इंच या इनमें से कोई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर कौन सा हो जाएगा सेंटीमीटर क्या है एक निरूपक भिन्न विधि क्वेश्चन है हमारा चौथा कि निम्न निम्न में निम्न में से किस मापनी के द्वारा किलोमीटर और मील दोनों की दूरियों को दर्शाया जाता है रेखीय मापनी पर रेखीय मापनी पर प्रतिनिधि प्रतिनिधि भिन्न पर या तुलनात्मक मापनी विधि पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रतिनिधि भिन्न पर इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिनिधि भिन्न प्रतिनिधि भिन्न का हम लोग उपयोग करते हैं किसी मापन पर किलोमीटर और मिल दोनों दूरियों को प्रदर्शित करने के लिए दोनों दूरियों को प्रदर्शित करने के लिए हम लोग किस विधि का यूज करते हैं तो प्रतिनिधित्व भिन्न का यूज करते हैं हम लोग किलोमीटर और मिल को दोनों को दोनों राशियों को एक ही बार दर्शाने के लिए मानचित्र में मापक अंकित करने की विधियां हैं शब्द द्वारा रेखीय माप रेखीय मापक द्वारा प्रतिनिधि भिन्न द्वारा प्रतिनिधि भिन्न द्वारा या इनमें से कोई स्क्राइप्ट आंसर क्या हो जाएगा इनमें से कोई नहीं इनमें से कोई नहीं छठा नंबर प्रश्न है हमारा रेखीय मापक में समवय भाग का समय समवे भाग की दूरी किस मापक से मापी जा सकती है प्रतिनिधि तुल्य से तुलनात्मक मापक मापनीय से या विकर्ण मापनी से या सरल मापनी से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा निकरण मापनी से हम लोग क्या करते हैं निकरण मापनी विधि का हम लोग लो उपयोग करते हैं रेखीय है मापक के शवे भाग की दूरी को या उसको मापने मापनी के लिए मानचित्र पर सातवां नंबर प्रश्न है कि मानचित्र की दूरी को मापने मापनी में मानचित्र की दूरी को मापनी में कैसे जाना जाता है अंश से हर से मापनी का प्रखत आ, प्रकथन से या इनमें हाँ से कोई नहीं इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगा अंश से मानचित्र की दूरी हम लोग ज्ञात करते हैं अंश से जो अंश होता है उसी से हम लोग फाइंड आउट करते हैं है। है। हमारा क्वेश्चन है आठवा कि पृथ्वी की दूरी मापनी से कहा लिखी जाती है अंश हर या ए और बी दोनों किसी में नहीं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हर में पृथ्वी की दूरी मापने मापनी में कहाँ लिखी जाती है हर में लिखी जाती है लेकिन किसी डिस्टेंस को दूरी को मापने के लिए हम लोग अंश में लिखते हैं लेकिन पृथ्वी की दूरी को हम लोग हर में लिखते हैं देखिए किलोमीटर तथा तो मील दोनों दूरियों को किस प्रकार की मापनी द्वारा प्रदर्शित करना संभव है तुलनात्मक तो रेखीय प्रतिनिधि भिन्न या वक्रण से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तुलनात्मक तुलनात्मक से तुन्णात्मक से हम लोग किलोमीटर मिल दोनों दूरियों को क्या कर सकते हैं कि किसी प्रकार मापनी पर प्रदर्शित कर संभव है किस पे तुलनात्मक पे तो इसका राइट आंसर तुलनात्मक हो जाएगा मापनी क्या है एक अनुपात एक कथन एक दूरी एक लंबाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा एक अनुपात है हर और अंश का क्या हो होता है अनुपात होता है हर और अंश का अनुपात क्या होता है मापनी राजस्व मानचित्र किस प्रकार का मानचित्र होता है लघु मापनीय दीर्घ मापनीय विकरण मापनीय या कोई नहीं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दीर्घ मापनीय राजस्व का जो हम लोग का राजस्व मानचित्र होता है वो दीर्घ मापनीय होता है दीर्घ मापनीय होता है एटलस किस मापनी पर बना होता है वृहत विकरण लघु या रेखी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा लघु किसी भी चीज को हम लोग एटलस पर लघु मानचित्र के द्वारा मापनी पर शो करते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा लघु 13 नंबर पर प्रश्न है कि प्रतिनिधि भिन्न का अंश हमेशा कितना होता है तो वो होता हमेशा एक होता प्रतिनिधि भिन्न का अंश हमेशा कितने कितने के बराबर होता तो वो हमेशा एक के बराबर होता इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा एक इनमें से कौन कौन एक वृहत मापनी मानचित्र है एटलस दीवार मानचित्र टोपो मानचित्र या राजस्व मानचित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा राजस्व मानचित्र 200 257 इंच की दूरी किस मापनी पर पढ़ा जा पढ़ा जाना संभव है रेखीय पर तुलनात्मक पर विकरण पर या किसी पर नहीं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा विकरण विधि पर हम 2.57 सेंटीमीटर से को आसानी से या 2 इंच को 2.57 इंच को विकरण मापनी पर पढ़ा जा सकता है 5.7 सेंटीमीटर की दूरी को किस प्रकार की मापनी पर पढ़ा जा सकता है तो रेखनीय मापनी विधि पर रेखनीय पर हम लोग टू सेंटीमीटर की दूरी को भी पढ़ सकते हैं वन सेंटीमीटर इज इक्वल टू वन किलोमीटर के लिए सही प्रतिशत भिन्न क्या होगा एक सेंटीमीटर के लिए एक किलोमीटर क्या एक सेंटीमीटर में एक किलोमीटर इज इक्वल टू वन मीटर आप जानते होंगे कि वन मीटर में एक हजार क्या होता किलोमीटर होता तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी राइट आंसर डी हो जाएगा इसका एक पर जीरो सेम क्वेश्चन को रिपीट किया गया है वहां पर एक सेंटीमीटर को एक किलोमीटर के साथ तुलना में या अनुपात में लिखा गया था यहां पर एक किलोमीटर को क्या लिखा गया है दो किलोमीटर के साथ लिखा गया है तो क्या लिखा जाएगा एक रेशियो पांच दो लाख आपको जहां नजर आ जाए उसको सही कर दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी एक सेंटीमीटर में दो किलोमीटर को रेशियो में लिखना पड़े तो एक सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा एक सेंटीमीटर में एक लाख एक लाख एक, ला, एक किलोमीटर में कितना होता है एक किलोमीटर में एक लाख सेंटीमीटर होता है आप इस कैलकुलेशन को याद रखिए कि एक किलोमीटर में एक लाख सेंटीमीटर होता है कितना तो एक लाख सेंटीमीटर होता है निम्नलिखित में किसका अंकन प्रतिनिधि भिन्न में किया जाता है क्या क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसका अंकन प्रतिनिधि भिन्न में किया जाता है इंच का सेंटीमीटर का मीटर का या किसी का नहीं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा किसी का नहीं हम लोग किसी का भी अंक अंकन प्रतिनिधि पर यूज नहीं करते हैं